खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम सोचे थोड़ा सा टैंक को ग्राफिक्स कर देते हैं। तो देखो, 2 दिन पहले ही एक लड़का डूब गया ऊपर साइड, उसका लास्ट इधर ही जंगल से उतरता है पानी। जाएगा जाएगा तब ना। आप बैठ जल्दी आ, आएगा तब ना, ये तो सामने से। अभी तेरे को बाजार में लेकर छोड़ देंगे उधर ही में। बड़े हरामी हो बेटा। सही में दे, हम बैग टांग के बाजार जा रहे हैं, नहीं देखा बैठा कह तुम क्या करेगा हा? आगे से वापस आना खुद से, बैठा कह तुम और बैठेगा। अभी जा तुम माना पैदल उतना दूर से, जान रहा कितना दूर से। बड़ा बाजार देखा है ना, उसको भी पार कर देंगे अभी, फिर आना तुम खो आ जाएगा। तुम गाड़ी में बैठा ना, अब तुमको छोड़ देंगे उधर ही और बैठेगा हाँ नहीं बैठेगा। खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम सोचे थोड़ा सा टैंक को ग्राफिक्स कर देते हैं। तो देखो, कुछ ऐसे ग्राफिक्स किए हैं खुद से स्टिकर कटिंग करके, हल्का फुल्का, ज़्यादा में ठीक नहीं लगता। और इसको भी सोच रहे अगर ठीक नहीं लगेगा ना तो हटा देंगे। और अभी कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोग वीडियो में ही पता चल जाएगा, बस बारिश नहीं होना चाहिए। मेला लगा ना इसीलिए भीड़ भड़ाका है पूरा, लेकिन मेला में ज़्यादा भीड़ नहीं है इस बार, रोड का बीच में चल रहा है सब। अरे भाई, इतना बड़ा तो बम्पर है, नीचे टकरा जाता है। चलो, किस्मत साथ दे रहा है, दोनों फाटक खुला हुआ था, नहीं तो यहीं पे 10 मिनट लग जाता फाटक में ही। अभी फिलहाल हम लोग सोनवा पहुँचे हैं और यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और शायद आज बाज़ार का दिन है लग रहा मेरे को, जैसे कि यहाँ से गाड़ी लगा हुआ है ना वो हिसाब से। और यहाँ सामने से हम लोग मुड़ जाना है राइट, और आगे गाड़ी कह लिए रोक दिया है। दोनों साइड पूरा हरियाली है, देखो पूरा हरा भरा लग रहा है, इधर भी इधर भी। और हम लोग उधर साइड का तो धान ही रोपा नहीं है, इधर साइड पूरा धान रोप के भर दिया। देखो घर साइड अभी तक पानी ही नहीं है तो क्या धान लगाएगा। यहाँ पे देखो पहाड़ के ऊपर में स्कूल बना दिया है, बच्चा लोग साइकिल नीचे रखता है यहाँ और जाता है ऊपर स्कूल, देख रहे हो ना, पहाड़ में ही बना दिया स्कूल। और इधर साइड देख सकते हैं ये वाला है डैम, यहाँ से जाता है डैम वाला रास्ता, हम लोग जा रहे हैं डैम के पीछे। देखो हरा भरा पूरा, डैम का पानी कम हो गया नहीं तो इधर से पूरा झरना जैसे बहता है। और ये वाला देखो, यहाँ से आपका घाटी स्टार्ट हो जाता है, टेबो घाटी टाइप से है लेकिन दूरी कम है इसका, वो तो आपको 1 घंटा 2 घंटा तक ऐसे ही चलाना होगा, इसमें वैसे नहीं है, इसका ठीक है 20 मिनट से पहले आप पार कर लेंगे घाटी। यहाँ का टर्निंग लेकिन भयानक टाइप से है, गाड़ी कम आता है बोल के कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भयानक है यहाँ का टर्निंग। और आगे वाला सीन और अच्छा है इसका, घाटी वाला ही। तो यहाँ से सीन चेक करो, बगल से आपको डैम का पीछे साइड का नज़ारा दिखेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से मस्त लगता है, पूरा पहाड़ साफ कर दिया काट के, नहीं तो यहाँ पे तो भयानक टाइप से खाई था। इधर का पानी देख रहे हो ना, लाले लाल, और इधर का ठीक है, साफ सुथरा है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ से डैम का नज़ारा, यहाँ से लोकेशन बहुत सही लग रहा था। देखो ये वाला पहाड़ वाला जो इसको साफ करके इसमें रोक दिया है ना, मस्त लग रहा है। अरे भाई मेरा जैसे कलर वाला है ना, देखो इधर ही जंगल से उतरता है पानी, बहुत मस्त हवा दे रहा है यहाँ, थोड़ा ठंडा ठंडा। देखो इधर से सीन, यहाँ तक पानी आ जाता है पूरा, अगर
पानी पड़ने से मस्त लग रहा पूरा ठंडा ठंडा। वहां पे देखो उधर साइड है डैम और यहाँ पे सब कुछ। तो यहाँ से व्यू चेक करो बहुत सॉलिड लग रहा है। अभी देखते हैं थोड़ा सा दूसरा साइड भी घूम लेते हैं, इसका थोड़ा सा फिर सिनेमैटिक शॉट लेंगे फिर आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग दूसरे से जा रहे हैं, उधर साइड आराम से वीडियो बनाएंगे। इधर जगह देख रहे थे पहले गाड़ी उतारने का, तो देख लिया मेरा गाड़ी तो उधर जाएगा, तो नीचे उतार के वीडियो बनाएंगे। देखो यहाँ से क्या मस्त लग रहा है, सॉलिड पूरा। और एक बात बता दे, यहाँ से भयानक टाइप से गड्ढा है, जैसे कम पानी दिख रहा ना सामने से ही गहरा है। हम लोग वहाँ वाला पंपू डैम में तो दो दिन पहले ही एक लड़का डूब गया ऊपर साइड, उसका लाश दो दिन बाद मिला। बहुत दिक्कत, बाढ़ आया था, बाढ़ में नहा रहा था शायद, उसी में बह गया। बताओ बहुत दिक्कत है नदी डैम में। सो गाइस चलो शाम हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो वो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करने ना भूलें, आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा फटाक से।